एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टेक्निक। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि फ्लिपकार्ट का एफिलिएशन कैसे आप ले सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं। जिन लोगों को ये बात नहीं पता है कि एफिलिएशन क्या होता है, उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि जितनी भी ई कॉमर्स की वेबसाइट है मोस्टली सभी एफिलिएशन आपको देती है। इसको आसान भाषा में यूँ समझिए कि आप उस वेबसाइट पर जो भी प्रोडक्ट बिक रहा है अगर वो आप अपने माध्यम से सेल करवाते हैं तो उस पर आपको कमीशन मिलता है। एक कमीशन जो होता है प्रोडक्ट वाइज होता है, कैटेगरी वाइज होता है, किसी पे 2%, किसी पे 4%, किसी किसी प्रोडक्ट पे 10% कमीशन तक मिलता है। अमेजोन का एफिलिएशन मार्केट बहुत लोग यूज करते हैं, आप देखते होंगे बहुत सारे लोग अपने वीडियोज़ के डिस्क्रिप्शन में प्रोडक्ट्स के लिंक देते हैं, अपने गैजेट के लिंक देते हैं, तो सारे जो लिंक होते हैं एसोसिएट होते हैं उनके एफिलिएशन अकाउंट से, और वो प्रोडक्ट जब आप सेल करते हैं या करवाते हैं तो आपको अमेजोन कुछ कमीशन देता है। जैसा कि मैंने पहले ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं कि कैसे आप अमेजोन का एफिलिएशन ले सकते हैं, आज के इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि कैसे आप फ्लिपकार्ट का ले सकते हैं। अमेजोन और फ्लिपकार्ट में एक बहुत बड़ा अंतर है, वो भी मैं आपको बता दूँ। अमेजोन का एफिलिएशन में सबसे बड़ा बेनिफिट है कि मान लीजिए आपने एक मोबाइल या फिर एक लैपटॉप का लिंक डाला है और कोई उस लिंक के माध्यम से अमेजोन में लॉगिन हुआ, उसने लैपटॉप की बजाय बिस्किट खरीद लिया, कुछ भी खरीद लिया एक्स वाई जेड, तो ऐसा नहीं है सिर्फ लैपटॉप लेने पे ही आपको कमीशन मिलेगा। अगर उस लिंक के माध्यम से गया है और विद इन 24 आवर यानी 24 घंटे के अंदर वो कुछ भी बाई करता है तो आपको कुछ ना कुछ कमीशन मिलता है। लेकिन ये चीज़ फ्लिपकार्ट में नहीं है, फ्लिपकार्ट का अपना टर्म्स कंडीशन है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि फ्लिपकार्ट को ऑलरेडी सेल आउट हो चुकी है, एक बहुत बड़ी कंपनी उसे बाय कर रखा है, तो उनका अपना टर्म्स कंडीशन है। खैर हम यहाँ बात करेंगे कैसे आप उसका एफिलिएशन ले सकते हैं, उस पर भी कमीशन आपको मिलता है, वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगेगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले आपको गूगल पर आना है दोस्तों, आप ब्राउजर में गूगल ओपन कर लीजिए और यहाँ पे आप लिख सकते हैं फ्लिपकार्ट एफिलिएट। ऐसा आप लिखेंगे तो आपको सबसे पहला यहाँ पे लिंक आ जाएगा affiliate.flipkart.com। यहाँ पे आपको क्लिक करना है पहले वाले लिंक पे, यहाँ पे आपको यहाँ होम पे क्लिक करना है। तो आप देखेंगे दोस्तों कि यहाँ पे उन्होंने बताया है, सिंपल मैंने आपको जो बताया वही चीज़ यहाँ पे ग्राफ है समझाया गया है कि लिंक आप प्रोडक्ट का देंगे फ्लिपकार्ट का, उसके थ्रू सेलिंग होगी और उस पर आपको कमीशन मिलेगा। कितना कमीशन मिलेगा ये भी समझ लीजिए, जिससे कि आपको आगे इन फ्यूचर कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ कमीशन का टैब बना हुआ है, इस पर क्लिक करिए। यहाँ पे बहुत ही साफ साफ इन्होंने लिख रखा है, देखिए मैं आपको एक दो बता देता हूँ आपको समझ में आ जाएगा। ग्रॉसरी यानी मसाला तेल मिर्चा नमक इस तरह की चीज़ अगर आप सेल करवाते हैं तो देखिए आपको यहाँ पे 18% कमीशन है। अगर कोई पर्सन लैपटॉप या कंप्यूटर के थ्रू ऑर्डर करता है, लेकिन अगर वो कस्टमर ऑलरेडी फ्लिपकार्ट पे उसका अकाउंट है और ऑर्डर करता है आपके लिंक के द्वारा तो सिर्फ 3% आपको कमीशन मिलेगा। ऐसे समझ लीजिए 100 रुपये की चीज़ अगर किसी ने ख़रीदी है और अगर डेस्कटॉप के माध्यम से उसने ऑर्डर किया है और नया कस्टमर है आपके लिंक के द्वारा गया है अकाउंट बनाया उसने ऑर्डर किया तो आपको 100 रुपये में 18 रुपये मिलेंगे। अगर पुराना कस्टमर एग्जिस्टिंग कस्टमर है बाई करता है आपके लिंक के द्वारा तो आपको 100 रुपये में 3 रुपये मिलेंगे, ठीक है। ऐसे ही अगर कोई बंदा मोबाइल ऐप के थ्रू जाके बाई करता है नया कस्टमर है तो 18% वरना 3%, ठीक है। इस तरह से फर्नीचर है कुर्सी टेबल वगैरह है तो उस पर 5%, यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है। डेस्कटॉप यूजर को इतना, एग्जिस्टिंग कस्टमर को इतना कमीशन, मतलब सारी कैटेगरी यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। तो ये आप देख लीजिएगा, अगर मैं सब कुछ वन बाय वन बताऊँ तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और कुछ लोग के लिए बोरिंग हो जाएगा। तो आप ये कमीशन का रेशियो देख लीजिएगा, इसके हिसाब से आपको कमीशन मिलेगा। यहाँ पे है रजिस्टर, आपको रजिस्टर पे आना है और यहाँ पे आपको अपना पूरा नाम जो आपके बैंक अकाउंट में है वो लिखिएगा, ईमेल आईडी लिखिएगा, कंट्री कोड 91 है यानी इंडिया है वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, अपना मोबाइल नंबर डालिएगा, और अगर आपका अपना ऐप है, अपनी वेबसाइट है या फिर आपका यूट्यूब चैनल है, तो मान लीजिए यूट्यूब चैनल है तो उसका आपका अपना URL होगा, तो उस URL को आप यहाँ, मान लीजिए 2, 4, 6 यूट्यूब चैनल आपके पास हैं तो कॉमा डाल के आप उसको सेपरेट कर लीजिएगा,
और अपने सारे वेबसाइट, यूट्यूब चैनल, ऐप जो भी है उसका लिंक आप यहाँ पेस्ट करके ज्वाइन वेटिंग लिस्ट पे क्लिक करना होगा। तो विद इन 24 आवर आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। और कई केसेस में तो मेरे को तो 48 आवर में इन्होंने इन्फॉर्म किया था, एक मेरा एक अपना एक अलग चैनल है उसके लिए। तो ये आपको शॉर्टलिस्ट कर देंगे और उसके बाद से आप इनके लिंक को, आपका एक नंबर आईडी जनरेट हो जाएगी और आप उससे लॉगिन होके आप एफिलिएटर लिंक बना के अपने वीडियोस में यूज़ कर सकते हैं, वेबसाइट पे यूज़ कर सकते हैं, ब्लॉग में यूज कर सकते हैं, कहीं पे भी जहाँ पे आप चाहें वहाँ पे आप यूज कर सकते हैं। अगर इसके बारे में और आपको जानकारी चाहिए, अगर आप जानना चाहते हैं कि ये एफिलिएटेड टूल क्या काम करता है, API कैसे काम करता है, ये सारी चीज़ें अगर आप जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करिएगा, तो मैं एक अलग से इसके लिए डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। अभी का जो टॉपिक था वो यही था कि कैसे आप फ्लिपकार्ट का एफिलिएशन प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं डेली ऐसे ही टॉपिक्स पे वीडियोस बनाता हूँ। मिलूँगा फिर अगले वीडियो में कुछ और ऐसी जानकारियों के साथ। तब तक के लिए टेक केयर है, बाय बाय दोस्तों। Thank you.